नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी के 12 नामों के बारे में। यूं तो हनुमान जी के बहुत से नाम हैं, लेकिन यह 12 नाम विशिष्ट हैं, क्योंकि इन्हीं नामों को आनंद रामायण में वर्णित किया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं कि हनुमान जी के यह 12 नाम कौन से हैं और इनका अर्थ क्या है, तो मैंने वीडियो का लिंक पिन कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं हनुमान जी के 12 नामों का महत्व और हमें कब जपना चाहिए और क्यों जपना चाहिए। मित्रों, हनुमान जी के ये 12 नाम केवल नाम नहीं हैं, उनके हर गुण का वर्णन है। यानी यह 12 नाम मंत्रों के रूप में कार्य करते हैं। अगर आप सुबह उठने के बाद जैसी भी अवस्था में आप बैठे हैं, इन 12 नाम को जपते हैं, एक बार अथवा 11 बार जप सकते हैं तो और अच्छी बात है, तो आप दीर्घायु होते हैं। और अगर आप इसको दोपहर में जपते हैं तो माना जाता है कि आप धनवान होते हैं और आप चाहते हैं कि धन की आवक बढ़े तो वह बढ़ने लगती है। अगर आप दोपहर संध्या यानी शाम में हनुमान जी के इन 12 नामों का जप करते हैं तो पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, इंसान तृप्त होता है। अगर आप परेशान हैं अपने शत्रुओं से, तो आप रात में सोते समय हनुमान जी के 12 नाम सुनकर अथवा बोलकर सोएं। इससे आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, विरोधी शांत होंगे, और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ तक की बात आपने अक्सर करके बहुत सारे जगह पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। अब हम आपको कुछ ऐसे लाभ बताने जा रहे हैं जो कि आपको शायद नहीं पता होंगे। अगर आप हनुमान जी के 12 नामों का निरंतर जप करते हैं, अर्थात कि रेगुलर जप करते हैं, तो आपकी तंत्र मंत्र आदि से रक्षा होती है। आप यात्रा पर जा रहे हैं तो हनुमान जी के इन 12 नामों का जप जरूर करें, क्योंकि यह माना जाता है कि हनुमान जी दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं। अतः सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए और वापस सकुशल अपने घर वापस आने के लिए आपको यात्रा शुरू करने से पहले हनुमान जी के इन 12 नामों का जप एक बार, 9 बार या 11 बार जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में 6ठे भाव में या 8वें भाव में या लगन आपकी कमजोर है, यानी आपकी बीमारियां बनी रहती हैं, अष्टम भाव जो कि आयु का होता है, अगर वो वीक है, उसके लिए भी आप हनुमान जी के इन 12 नामों का जप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप पर शनि देव की, राहु की या मंगल की दशा चल रही है, जो कि आपके लिए मारक ग्रह हैं या आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो भी आप हनुमान जी की कृपा प्राप्ति से अशुभ ग्रहों के फल को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दुकान खोलने से पहले, मकान का निर्माण से पहले, नई नौकरी ज्वाइन करने से पहले आपको हनुमान जी के इन 12 नामों का जप जरूर करना चाहिए। माना जाता है जो लोग निरंतर प्रत्येक दिन हनुमान जी के इन 12 नामों का जप करते हैं, हनुमान जी उनकी दशो दिशाओं से रक्षा करते हैं। अगर आपको कोई अनजाना भय सता रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपको क्यों भय लग रहा है, तो ऐसे में भी आप हनुमान जी के इन 12 नामों को जप कर आत्मशक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उस भय को दूर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इन 12 नामों का 11 बार प्रतिदिन जप करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।